अंडा करी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 12 अंडे, जिसको हमने पहले से ही बॉइल्ड कर लिया है। बॉइल्ड करने के लिए हमने पानी में 1 चम्मच नमक डाल दिया था और अंडों में क्रैक आने पर हमारे अंडे यहाँ पे बॉइल हो गए थे। 4 प्याज, 10-12 लहसुन की कलियाँ, 1.5 अजवाइन का पीस जिसका हमने बहुत महीन पेस्ट बना लिया है, 200 ग्राम दही, कुछ खड़े मसाले, थोड़ा सा जीरा, तेज़पत्ता, 5 लौंग, 10-12 काली मिर्च, 4 हरी इलायची जिसको हमने हरी इलायची को हल्का सा कूट दिया है, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच नमक, 2 चम्मच धनिया पाउडर। सबसे पहले हम अंडों को छील लेते हैं। अंडों को छीलने का हमें एक ध्यान रखना है कि हमें पानी को नॉर्मल रखना है, जिससे कि पानी में अंडे जब रहेंगे तो छीलने में बहुत आसानी होगी। अगर हम पानी को अंडे से निकाल देंगे तो अंडे छीलने में हमें बहुत परेशानी होगी। हमने गैस ऑन करके कढ़ाई में 2.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें खड़े मसाले सारे डाल देंगे। एक दो मिनट तक हम खड़े मसालों को अच्छे से ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा चलाते रहेंगे। खड़े मसालों में से खुशबू आने लगी है, इलायची का रंग भी चेंज हो गया है। ऐसा करने से जो हमारी ग्रेवी बनेगी तो बहुत टेस्टी बनेगी और बहुत सोंधापन आएगा। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हल्के हल्के ब्राउन होने लगे हैं, अभी हम प्याज को थोड़ा सा और करेंगे। तब तक हम दही में मसाला मिला लेते हैं। गैस को हम थोड़ा सा मीडियम स्लो पर रखेंगे। दही को हमने पहले से ही बहुत अच्छे से फेंट लिया था। दही में लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, दही बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। लम्स रहने से जब हमारी ग्रेवी तैयार होगी तो वो लम्स ना ग्रेवी के ऊपर आ जाएंगे, तो वो अच्छे नहीं लगते और क्रीमी भी नहीं बनेगी फिर ग्रेवी। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब इनको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए दही में हमने सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। थोड़ा सा हम और फेंट लेंगे। कितने अच्छे से महीन पेस्ट बन गया है। अब हम अंडों की कटिंग कर लेते हैं। अंडों को हम बीच में से 2 पीस कर लेंगे। नाइफ को थोड़ा हम धीरे धीरे से ऐसे करेंगे। ऐसे करने से अंडे बिल्कुल शेप में कटेंगे। हमें ज़ोर से नहीं करना, नहीं तो अंडे टूट जाते हैं। थोड़ा ध्यान से करेंगे ऐसे, क्योंकि बिल्कुल आराम से कितने अच्छे से शेप में कटेंगे। हम इसी तरीके से सारे अंडों की कटिंग कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो गए थे, अब हमने दही वाला मसाला डालकर हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। 1-2 मिनट तक रेगुलर हम अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। गैस को हम तेज कर देंगे। हमने ग्रेवी बनाने के लिए 2 कप के करीब पानी यूज़ किया है। अब हम ग्रेवी में उबाल आने देंगे। हमें ग्रेवी को गाढ़ी बनाना है और ग्रेवी गाढ़ी बनने से ही अच्छी लगेगी। ग्रेवी कितनी अच्छी से बन गई है। अब हम इनमें अंडे डालेंगे। अंडों को हम इस तरह से सीधा सीधा करके ऐसे सजा देंगे। हम अंडों को इस तरीके से इसलिए डालेंगे क्योंकि इससे अंडे की जल्दी ऊपर से बाहर नहीं निकलेगी, और हम बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे ही डालेंगे।
हम उल्टा सीधा नहीं डालेंगे। हम 2-3 मिनट तक के लिए इसको बिल्कुल स्लो गैस पे पकाएंगे, जिससे कि ग्रेवी का मसाला अंडों के अंदर समा जाएगा। हम अंडा करी बनाते समय अंडों को साबुत भी डाल सकते हैं। साबुत हम इसलिए नहीं डालते क्योंकि ग्रेवी का मसाला अंडों के अंदर तक नहीं समा पाता। हमारी अंडा करी बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसमें हम गरम मसाला और हरा धनिया डालकर सर्व करेंगे। देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गई है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अंडा करी सर्व करने के लिए तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। हम अंडों को इस तरीके से सीधा सीधा करके निकालेंगे, जिससे कि उसकी जल्दी बाहर ना आ जाए। हम इसे सर्व करते हैं।